काकास कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट, जहां आपको आपकी पूरी फैमिली के लिए मिलेगा निमाड़ का अपना स्वाद। अंबाड़ी की भाजी, ज्वार की रोटी, दाल बाफले और तमाम स्नैक्स जैसे सैंडविच, चाइनीज और तंदूरी चाय। तो चले आइए हमारे पते पर, इंदौर रोड, खंडवा। जिले भर की 3000 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं हड़ताल पर चली गई है और उन्होंने तालाबंदी कर दी है। उनके इस हड़ताल के चलते पोषण आहार वितरण जहां बंद हो गया है, वहीं जिले की सभी आंगनवाड़ी बंद हो चुकी है। वे अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रही थी और अब उन्होंने इस आंदोलन को बड़ा रूप देते हुए पूरी तरह तालाबंदी करने का निर्णय ले लिया है। वे सरकार से मांग कर रही हैं कि उन्हें नियमित किया जाए और इसी मांग को लेकर के वे लगातार आंदोलनरत हैं। मैडम, आपका परिचय बताइए और आप लोग किस समस्या को लेकर के यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। हेलो, मैं अनीता कुल्हारे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की जिला अध्यक्ष खंडवा से हूँ और ये प्रदेश स्तरीय आंदोलन है भारतीय मजदूर संघ के संबंध आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का, क्योंकि 52 जिलों में ये हड़ताल चल रही है और चरणबद्ध कार्यक्रम चल रहा था अभी तक, लेकिन लास्ट में हम इस मूवमेंट पर पहुँचे कि पूरी तालाबंदी हमने प्रदेश स्तर पर की है और सभी जिलों में आंगनवाड़ी केंद्र को बंद किया गया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री से हमारी एक मुख्य मांग है कि मुख्यमंत्री जी को हमें परमानेंट करना होगा और परमानेंट करने के बाद ही ये हड़ताल हमारी ख़त्म होने की उम्मीद रख रहे हैं हम, ठीक है। और परमानेंट इसलिए करने की बोल रहे हैं कि इसमें शासकीय कर्मचारी घोषित कर देंगे ताकि हमको सभी सुविधाएं मिल जाए। अभी जो सुविधाएं हमको नहीं मिल रही है। अभी तो कितने लोग हड़ताल पर हैं जिले में आप लोगों के साथ? टोटल 3200-3500 के करीब। तो आप पूरी तरह से काम बंद कर दिया है आप जी? पूरा काम बंद है, बिल्कुल। आंगनवाड़ी में ताला लगा हुआ है, पोषण आहार हमारे द्वारा नहीं दिया जा रहा है और अभी कल जो मतदाता दिवस का है तो हम उसका भी बहिष्कार करने की सोच रहे हैं, क्योंकि तालाबंदी में हम उसका कार्य नहीं कर सकते। और 26 जनवरी का जो झंडा बंधन का राष्ट्रीय कार्यक्रम है उसका भी हम बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ करेंगे झंडा बंधन, केंद्रों पर नहीं होगा। हमारा आंगनवाड़ी केंद्र बंद है, इसलिए आंगनवाड़ी को झंडा बंधन का कार्यक्रम नहीं है।